सब समाज के युवाओं की ओर से अलवर रेलवे स्टेशन रोड तिराहे पर शहीद मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। इस दौरान युवाओं ने मंगल पांडे अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम में युवाओं ने स्टेशन रोड तिराहे का नाम अमर शहीद मंगल पांडे के नाम बोर्ड लगाकर अनावरण किया। भाजपा के पंडित जलेश सिंह ने बताया कि मंगल पांडे अंग्रेजों से भारत माता को आजाद कराने के लिए पहले क्रांतिकारी जनक थे, जिसे आगे चलकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के पौधों को वटवृक्ष में बदला। आज देश के हर युवा को राष्ट्र के स्वाभिमान में देश की रक्षा के लिए उनके आदर्शों व जीवन से सीख ले तो अपने देश के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। आज अलवर शहर के रेलवे स्टेशन स्थित चौराहे पर शहीद मंगल पांडे की जयंती का सर्व समाज द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाई सोनू पंडित द्वारा हम सभी को यहाँ एकत्रित किया गया है और पंडित जले सिंह जी और जगराम पहलवान जी के नेतृत्व में यहाँ पर शहीद के जो लोकार्पण आज किया गया है, उनकी बोर्ड का लोकार्पण किया गया है और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे राष्ट्र के ऐसे जाबाज वीर सपूत के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति हमारे हम सबके लिए दे दी। उन सबकी उनकी आत्मिक शांति के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे भी ऐसा जोश और जज्बा हम सभी युवाओं के बीच में रहे, इस प्रकार का कार्य करने के लिए आज यहाँ पर ये युवा सभी एकत्रित हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी वीर सपूत इस देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी का नाम इसी प्रकार आगे भी चलता रहे और उन सभी को नमन हम इसी प्रकार करते रहे। आज इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। आज भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए क्रांति की शुरुआत की, जिन्होंने ये दिखाया कि जो भारत माता है वो गुलामी की जंजीरों से कैसे टूटे, उसकी शुरुआत मंगल पांडे जी ने की। और आज हमारे भाई सोनू पंडित और इनकी जो टीम है, उन्होंने जो रेलवे स्टेशन का तिराया है इसको मंगल पांडे शहीद चौराहे के नाम से यहाँ एक बोर्ड भी लगाया है, उसका अनावरण आज मेरे द्वारा और भाई आकाश मिश्रा, भाई जगराम और सभी युवा साथियों द्वारा किया गया है। मैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो अभी वर्तमान युवा पीढ़ी है, उससे कहना चाहूँगा कि मंगल पांडे जी ने जो शुरुआत की उससे प्रभावित होकर जो बीज उन्होंने स्वतंत्रता का बोया, उसको आगे चलकर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खां, बहुत सारे वीरों ने इस जो बीज को वटवृक्ष बनाने का काम किया और हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी स्थापित नहीं है, सतत है, इसलिए हमको अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, अपने देश की सेवा के लिए मंगल पांडे के जीवन से और उनके आदर्शों से सीख लेते हुए अपने देश के लिए काम करना चाहिए।